नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन इन द सीरीज वेयर वी आर डिस्कसिंग सम वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ वी हैड ऑलरेडी टॉक अबाउट कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ वर्ड दैट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, NDTL। दोस्तों वहां पे मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्क्राइब किया था और बोला था कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर कवर करूंगा। तो दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होता है सबसे पहले, और नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करने में कैसे काम आता है। बेसिकली ये वीडियो और ये वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो द थर्ड वीडियो विच वी विल गोइंग टू मेक ऑन द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट आर टोटली इंटरलिंक्ड। तो आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लोगे। दोस्तों हमने जो वर्ड यूज किया था वहां पे वो था लायबिलिटी का। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए एक होता है आपका असेट जो आपका खुद का है, और एक होता है लायबिलिटी जो आपकी जिम्मेदारी है, या अगर बैंकिंग टर्म में या फिनेंशियल टर्म में या इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो जो आपको देना है, जो आपके ऊपर डेट है, राइट। अब दोस्तों हम जानते हैं कि CRR और SLR हमने वहां पे बहुत इलेबोरेटली देखा था कि क्यों बनाए गए, क्यों ये रिजर्व रेशियोज बनाए गए। इसको कम ज्यादा करके बेसिकली RBI जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ये टूल है उनके पास, जिससे कि वो कम ज्यादा करके लिक्विडिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं मार्केट में, इन द एंड लिक्विडिटी को कम ज्यादा करके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टली इसको इन्फ्लेशन को बढ़ा के या कम करके वो ग्रोथ पे सीधा सीधा अफेक्ट डाल सकते हैं। ये हमने उस वीडियो में पूरा डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमारा मुद्दा सिर्फ है NDTL, डेट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी को समझना। जैसा कि नाम अपने आप में समझा रहा है NDTL, ये एक तरीके की लायबिलिटी है, राइट। ये किस तरीके की लायबिलिटी है, ये दो तरीके की लायबिलिटी है, एक डी और एक टी। हियर डी मीन डिमांड और हियर टी मीन्स टाइम। तो ये किस तरीके की लायबिलिटी है, एक डिमांड और एक टाइम, और इसके आगे एक और वर्ड लिखा है एन, जिसका मतलब है नेट। इन सारे वर्ड्स को बहुत ही इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे यहां पे, मगर उसके पहले एक चीज आप देखिए। यहां देखिए ये बैंक है, बैंक बहुत जगह से डिपॉजिट्स लेता है, लाइक कॉरपोरेट हाउस, हाउस होल्ड, हमारे जैसे लोग सब डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो ये जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट्स डिपॉजिटर्स का असेट है, राइट। हम कभी भी ले सकते हैं, हमारी चीज है। और ये लायबिलिटी किसकी है, ऑब्वियसली बैंक की, बैंक को देना पड़ेंगे। वहीं जब बैंक्स लोन्स लैंड आउट करती है तो वो पैसा किसका है, बैंक का। तो ये असेट किसका हुआ, ऑब्वियसली बैंक का। मगर ये लोन्स लायबिलिटी किसकी हुई, जिसको ये लोन मिला है, राइट। तो यहां पे आ गई आपको समझ में लायबिलिटी बैंक की क्या है और असेट क्या है बैंक के, आई होप। अब चलते हैं दोस्तों, ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये जो लायबिलिटी है बैंक्स के ऊपर, इस लायबिलिटी को, इन डिपॉजिट्स को दो डिवीजन में बांटा गया है, जो कि हमने अभी यहां पे वर्ड देखा डी और टी। एक होता है डिमांड लायबिलिटी, एक होता है टाइम लायबिलिटी। अब देखिए डिमांड लायबिलिटी में ये वो लायबिलिटी है जो आप कस्टमर डिपॉजिटर कभी भी जाएगा बैंक में, लाओ मुझे मेरा पैसा दो अभी की अभी। इसमें किस टाइप की सेविंग्स या अकाउंट्स आते हैं, देखिए ऑन डिमांड विड्रॉल, सेविंग डिपॉजिट जो आप सेव करते हो कभी भी निकाल सकते हो, करंट डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट जो बनते हैं ये भी एक तरीके की डिमांड लायबिलिटी है, और फिर लेटर ऑफ क्रेडिट्स। वहीं टाइम लायबिलिटी दोस्तों क्या होती है, नाम समझ में आ रहा है, एक टाइम फिक्स होगा उस लायबिलिटी का, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, उसी के बाद में मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। नहीं, यहां पे मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी में नहीं आएगा। मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब होता है जिस FD की टर्म खत्म हो चुकी हो। जब FD की टर्म खत्म हो जाती है इसका मतलब कस्टमर अब कभी भी आ सकता है और उसकी FD के पैसे ले आ सकता है, तो ये चीज ट्रांसफर हो जाती है डिमांड लायबिलिटी में। जस्ट एक क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखना जरूरी समझा। दोस्तों देखिए यहां पे एक और क्रूशियल पॉइंट है, ऐसा नहीं कि फिक्स डिपॉजिट जरूरी है आप एक टाइम पीरियड के बाद में ही आओगे, राइट। आप पहले भी जा सकते हो, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू
नलीफाई योर फिक्स डिपॉजिट एंड टेक अमाउंट बैक, मगर आप ऐसा जनरली नहीं करते हो या कोई भी व्यक्ति जनरली नहीं करता, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट करवाता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको टाइम लायबिलिटीज में रखा गया है, क्योंकि बैंक के पास दोस्तों कैलकुलेशंस होना चाहिए। वो इन कैलकुलेशंस को करके कि दोस्त टाइम लायबिलिटी में अगर 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं तो ये मान के चलेंगे कि 600 करोड़ रुपए कहीं कोई नहीं ले जाने वाला अगले 3 साल तक, अगर सब 5-5 साल की एफडी है तो, राइट। तो इसीलिए बैंक इन चीजों को कैलकुलेट करके फिर उनकी बिजनेस प्रोसेस आसान कर सकती है। वहीं गोल्ड डिपॉजिट जो होते हैं वो भी टाइम लायबिलिटी में आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दो टाइम लायबिलिटीज बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर इज वन मोर टाइप ऑफ लायबिलिटी विच वी कॉल ODTL, दैट इज अदर डिमांड टाइम लायबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इनके अलावा जैसे कि जो इंटरेस्ट हो जाते हैं, जैसे ये आपने जो डिपॉजिट दिया इसमें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना बैंक्स को, वो हो जाता है अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में, राइट। वैसे ही अनपेड डिविडेंड्स जो होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, सबसे पहले तो लायबिलिटी ही क्या होती है, लायबिलिटी के बाद हमने देखा असेट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा लायबिलिटी दो टाइप की कौन सी होती है और थर्ड टाइप की भी। अब बात करते हैं नेट की। अभी तक हमने इस एन की बात नहीं करी, अगर आपका फोकस हो यहां पे हमने जो स्टार्टिंग में किया था। अब दोस्तों यहां पे नेट का क्या मतलब होता है, देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ लायबिलिटीज की बात करी कि बैंक को जो देना है, मगर बैंक को कुछ लेना भी हुआ अगर तो उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्त। तो अगर मान लीजिए कि एक्स अमाउंट तो उसको देना है, राइट, तो ये तो पूरी लायबिलिटी हो गई, मगर अगर उसको वाई अमाउंट किसी से लेना है तो ये माइनस करना पड़ेगा ना हमको इस लायबिलिटी में से, तभी तो नेट अमाउंट निकलेगा जो लायबिलिटी है बैंक की, राइट। अब वो पैसा भले किसी को भी दिया हो बैंक ने, जैसे कि जो अदर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, गवर्नमेंट को दिया, जिसको भी दिया उसको आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा ये नेट निकालने के लिए। तो दोस्तों इस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी को निकालने के बाद में हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि 4% पैसा सीआरआर में रखेगी बैंक और 20% पैसा एसएलआर में। आई होप आपको नेट डिमांड लायबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर वीडियोस, द फ्यूचर टॉपिक्स, प्लीज डू रिकमेंड टू अस। वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स एंड इन द एंड कीप शाइनिंग एंड हैव अ गुड डे।